हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में हम 14 अगस्त का करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल की क्लास का रिविजन करेंगे। काजीरंगा सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नौ सैनिक अभ्यास शुरू हुआ? सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? तो राजीव गांधी के नाम पर। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। किस राज्य के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2060 तक। भारत के किस राज्य में बनाए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? गुजरात। लोथल, याद रखेंगे। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 122वें स्थान पर। अब कल से हमने जो एक सीरीज शुरू की थी उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास की प्रमुख बुक और उनके लेखक जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। राजतरंगिणी कल्याण, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम किसकी हैं? कालिदास की हैं। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, अर्थशास्त्र कौटिल्य। चलिए आज की क्लास का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को भारत का पहला बॉर्डर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर को। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला बॉर्डर प्लस शहर घोषित किया गया है। बॉर्डर प्लस सिटी सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है? एक शहर को उसके प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिया जाता है। बॉर्डर प्लस सर्वे में पानी काला नहीं दिखना चाहिए। बॉर्डर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा किया हो। अब ये ODF क्या है? तो ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। चलिए स्पेशल डोज फ्रॉम एग्जाम फॉर एग्जाम, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है इंदौर, जो हाल ही चर्चा में रहा था। भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत का पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर कौन सा बना है? तो पूरी उड़ीसा। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य बना है? गोवा। हर घर जल लक्ष्य कितना रखा गया, कब से कब तक? तो 2024 तक पूरा करना है। देश का पहला अनाज ATM किस राज्य में लगाया गया? हरियाणा में। अंकुर योजना वृक्षारोपण से संबंधित है, कहाँ चलाई गई? मध्य प्रदेश में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 और 21 में सर्वोच्च राज्य मध्य प्रदेश रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के दो नए शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुए, कौन कौन से? ग्वालियर और ओरछा। इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खान नदी के किनारे। अफ्रीकन चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में विस्थापित किया जा रहा है? तो कूनो नेशनल पार्क में, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 231 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां, नर्मदा नदी, चंबल, सोन, बेतवा,
तवा, ताप्ती, सिंध, केन, छिप्रा, माही, बेनगंगा, पार्वती और बर्दा नदी। ये मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ग्वालियर का किला, आसिरगढ़ का किला, धार का किला, चंदेरी, पचमढ़ी, अशोकनगर, महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो, भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, सांची स्तूप। भोपाल गैस त्रासी 2 से 3 दिसंबर 1984 जहरीली गैस मीथाल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति भील, गोंड, सहारिया, बेगा और कोरकू है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं, कान्हा घिसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और कूनू नेशनल पार्क। प्रमुख अभयारण्य बोरी, राणा मंडल, नोरा देही, रातापानी, गंगऊ और करहरा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। 15 अगस्त 1947 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रन फॉर दिल्ली एट द रेट 75, दिल्ली सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए एक आधिकारिक दौड़ की शुरुआत की है, नाम याद रखिएगा। लाहौर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, कब की थी? लाहौर अधिवेशन 1929। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अगस्त 2021 में अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GISAT फर्स्ट लॉन्च किया? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसरो ने। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नाम याद रखेंगे उपग्रह का क्या है, GISAT फर्स्ट लॉन्च किया। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F10 रॉकेट का नाम क्या है, GSLV-F10 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। पहले और दूसरे चरण का प्रदर्शन सामान्य रहा, लेकिन क्रायोजेनिक चरण में देखी गई खराबी के कारण यह विफल हो गया। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। विश्व की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियां, नासा कहाँ की है? अमेरिका की। इसरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। JASK किसकी है? जापान की है। CNSA चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन किसकी है? चीन की है। CSIRO किसके है? ऑस्ट्रेलिया की। इजराइल स्पेस एजेंसी इजराइल की है। कारी KARI दक्षिण कोरिया की है। ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी ब्राजील की है। और ISA ईरान की है। आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा से। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। DRDO ने निर्भय
मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो याद रखेंगे आकाश मिसाइल का। ये भी कहाँ से किया गया था? चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र उड़ीसा से। अब डिस्कस कर लेते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, भारत की सबसे युवा सांसद किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। नाम क्या है? चंद्राणी मुर्मू। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कड़क उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। यास चक्रवात जो हाल ही में टकराया था उड़ीसा से। यास नाम किसने दिया था? उमान ने दिया था। नुआखाई त्यौहार कहाँ का है? उड़ीसा का है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। आगे डिस्कस करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। विधानसभा सीट 147 है। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटें 10 हैं। उड़ीसा राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। प्रमुख बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, महानदी पर स्थित है। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, नया नाम क्या है व्हीलर द्वीप का? अब्दुल कलाम द्वीप, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कल्लापट्ट वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा था कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं उड़ीसा की कुछ प्रमुख नदियां, महानदी, इंद्रावती नदी, वेतरणी और ब्राह्मणी नदी। प्रमुख झील चिल्का झील है। नलवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के बीच में स्थित है। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण से, जो कहाँ चला गया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इन सभी के बारे में एक बार आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। निसार उपग्रह है। उपग्रह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन 2023, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक वर्ष का। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को उनके वर्तमान कार्यकाल से आगे एक साल का विस्तार दिया गया है जो अगले सप्ताह समाप्त होना था। असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। हाल ही में मानक मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एस एन प्रधान को। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गोवा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है दूती बनर्जी। उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? वंदना कटारिया को। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के लिए। आगे डिस्कस करते हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन वी रमन्ना। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया, याद रखिएगा। भारत के वर्तमान में एसबीआई चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया के निम्न में से किस पायलट संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन जुए अग्रवाल को, ये है इनकी पिक। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। एयर इंडिया के पायलट कैप्टन जुए अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास करीब 10 साल से भी अधिक का उड़ान का अनुभव है। एयर इंडिया की पहली पायलट जिन्होंने नॉर्थ पोल के उत्तर ऊपर से भरी सबसे लंबी उड़ान, हाल ही में ये चर्चा में भी रहा था काफी। नागरिक उड़ान मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। 1 जनवरी 2021 को भारत ने सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। डिस्कस कर लेते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों से मिलकर बनी है जिसमें 5 स्थायी हैं। कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 गैर स्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके अलावा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? चीन और नेपाल से लगती है। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1970 में हुआ था। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल से लगती है। आगे डिस्कस करते हैं। दुनिया की योग राजधानी ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में ही स्थित है। प्रमुख चोटियां उत्तराखंड में नंदा देवी, कामत और बद्रीनाथ। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध भागीरथी और बिलंगना नदियों के संगम पर बना है। कहां पर बना है? उत्तराखंड में। प्रमुख धार्मिक स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुना, धौली गंगा और राम गंगा है। छोलिया उत्तराखंड के कुमायूं अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। प्रमुख झील नैनीताल, भीमताल, चिलमिलताल और गिरीताल। बुग्याल घास के मैदान है जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। प्रमुख दर्रा लिपू लेक दर्रा, याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है। प्रमुख जनजातियां भोटिया, जौनसारी, राजी और थारू। आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लॉइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2,000 करोड़ रुपए की। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार।
गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लॉइंग के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लॉइंग की घोषणा की थी। इसे प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर तैयार किया जाना है। प्रोजेक्ट हाथी कब लॉन्च हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था, ये दोनों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं। चलिए, स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। गुजरात प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का पहला राज्य बन गया है। यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा, कोटडा टिब्बा, पुराना नाम याद रखिएगा, अगर एग्जाम में धौलावीरा नहीं देता है तो कोटडा टिब्बा जरूर पूछेगा, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, बड़ौदा गुजरात में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया है, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस झील के किनारे है, तो कांकरिया अहमदाबाद। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना, गुजरात। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। यह भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा, लोथल, याद रखिएगा, लोथल और धौलावीरा। अब डिस्कस कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। आधिकारिक भाषा गुजराती है। वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी हैं। राज्य के प्रतीक पशु एशियाई शेर है। फूल गेंदा है और वृक्ष बरगद का पेड़ है। गुजरात राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो याद रखिएगा, पाकिस्तान से। 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी गुजरात है। प्रमुख क्षेत्रीय महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव और भावनाथ महादेव मेला। प्रमुख नृत्य गुजरात का गरबा है। प्रमुख जनजाति वर्दा, बापचा, भरबार, भील और चारण है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रमुख नेशनल पार्क गुजरात के, कृष्णमृग नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। विश्व धरोहर स्थल चंपानेर, पाटन में रानी की बाग। कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है, रानी की बाग की जो पिक है ना, वो किस नोट पर बनी हुई है। अहमदाबाद धौलावीरा। प्रमुख नदियां नर्मदा, साबरमती, फोगबा और बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है, तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है। इसका आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी का शुभारंभ किया है। इस पॉलिसी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कबाड़ करने का प्रबंध होगा जो रजिस्ट्रेशन से 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसमें सरकारी और कमर्शियल दोनों गाड़ियाँ शामिल होंगी। ठीक है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। हाल ही में किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में एक आंसर देना है, पाम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है, तो ये किसने किया है, हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम देख लेते हैं एक बार। हाल ही में चीन और किस देश ने युद्ध ग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है, तो पाकिस्तान और चीन ने दोनों ने मिलकर।
गैनीमेड क्या है? तो बृहस्पति का एक चंद्रमा है गैनीमेड। हाल ही में वातावरण में जलवाष्प के सबूत मिले हैं गैनीमेड में, ठीक है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका, याद रखिएगा नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की। किसने की है? रूस ने। हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कौन सा देश क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी में तैरता हुआ कहाँ बनाया जा रहा है? बॉटम द्वीप, जो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब पांच बुक्स जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, आनंद भट्ट बंकिम चंद्र चटर्जी की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी की है, इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की, याद रखिएगा एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। चलिए अब कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके आंसर देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो बान की मून को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? मथुरा में। पेड्रो कास्टिलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के। 21 जुलाई को निम्न में से किस देश ने फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने। जीएस के क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है हाल ही में? इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? अब जीएस के क्वेश्चन जिनका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, सेल नाम का किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, ये सही कर लीजिएगा, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? इन सभी के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।